हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू कॉपी में एक पेंटिंग ड्रॉ करेंगे राधा कृष्ण कॉम्बिनेशन वाला। पहले जो पेंटिंग करना है उसको हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से राधा कृष्ण। देखिए कैसे कर रही हूँ। ये वाला पेंटिंग हमने होली स्पेशल बनाया है, जो सबको विश करना है मुझे हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारा शुभकामनाएं आप लोगों को मिले। तो हैप्पी होली। कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं रहा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। पेंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, कैसे स्केच करना है दिखा दिया है, अब इसको कलर करेंगे। हमने यहाँ पे पोस्टर कलर यूज किया है फैब्रिक का, यहाँ पे 6 शेड है तो हम सब कुछ यूज करेंगे सिवाय ग्रीन के। फर्स्ट हमने ब्लू कलर चूज किया और श्री कृष्ण का फेस के कलर के लिए। पहले हमने पानी से भिगाया, फिर कलर किया तो कलर थोड़ा स्प्रेड हो रही थी क्योंकि वो कॉपी जो है वो अच्छा नहीं था, और फैब्रिक कलर के दौरान वो दूसरा पेज में पूरा छप गया तो पहले थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन क्या हुआ कि हार नहीं मानी। मैंने फिर से कोशिश किया कि चलो इसमें ही काम करेंगे, तो कैसे किया देखिए, कैसे हैंडल किया वो वाला कलर, क्योंकि कभी कभी किसी जगह में इतना डीप हो गया कि वो हटा ही नहीं। उसके बाद मैंने उसको हटाया, देखिए कैसे हटाया मैंने। इसके बाद राधा जी का फेस कलर किया, वो फेस कलर मतलब वाइट और ब्राउन कॉम्बिनेशन वाला, पहले हल्का किया दूसरे बार वो पूरा डीप करते गए इस तरह से। इसके बाद हमने पिंक यूज किया, येलो यूज किया, देन वाइट यूज किया। कलर करने के दौरान बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फैब्रिक कलर थी, और क्या हुआ कि वो फैब्रिक कलर पूरा सूख रहे थे, वो कॉपी भी अच्छा नहीं था, दूसरे पेज में पूरा छप गया तो बहुत बुरा लग रहे थे, लेकिन छोड़ा नहीं, हमने कोशिश करते गए। तो देखिए लास्ट में कैसे होता है कि फिर हमने ब्लैक कलर यूज़ किया वो पूरा बॉर्डर करने के लिए, पूरा बोथ साइड में उसको हाईलाइट किया। कैसे किया देखिए इस तरह से पूरा। क्या है कि ब्लैक कलर को मैं बहुत डेंजर मानती हूँ, वो अगर कहीं पे भी लग जाए तो छूटना, मतलब उसको मेकअप करना बहुत था, तो इसको थोड़ा सा समझ के करना चाहिए। मैंने ट्राई किया, फिर लास्ट में देखिएगा कैसे हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे हुआ है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल में, अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके बाद ही हमको वो साहस मिलेगा, फिर दूसरा कोई वीडियो हम ट्राई करेंगे। हम आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रही हूँ तो इसलिए आप बोल रही हूँ कि आपको जो भी इस टाइप का वीडियो देखना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, मैं कोशिश करूँगी उस टाइप का वीडियो देने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ कि देख तो रही है मेरा वीडियो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा साउस नहीं हो रही है, और मुझे हिंदी में बोलने के लिए बोले थे किसी ने, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रही है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और मैं तो लैंग्वेज बंगाली है, फिर भी देखिए कैसे बोल रही हूँ। फिर ब्लैक से हमने वो सब कुछ बनाया, मतलब बॉर्डर वगैरह दिया, आई का वो आई ब्रू लैस वो सब कुछ बनाया। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है।
आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं नहीं बढ़ पाऊंगी, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, वाइट कलर का यूज़ किया, क्योंकि कभी कभी कई जगह में इतना छप गया कि वो हटा नहीं सका, तो वाइट इसमें कम आएगा। तो वाइट जहाँ जहाँ वो डीप था वहाँ पे थोड़ा सा वाइट डाल के हमने पूरा वो फिनिशिंग कर दिया। और राधा के फेस में हमने ब्राउन कलर, डीप ब्राउन कलर यूज़ किया, क्योंकि उसका फेस ब्राउन का है, तो इस टाइप से वाइट कलर से हम पूरा उसका मेकअप कर दिया। देखिए इस टाइप से वाइट कलर से आप पूरा वो हाईलाइट कर दिया, जहाँ जहाँ पे लगा कि मुझे यहाँ पे देना चाहिए, और इसका तिला और जो है जो भी है हमने किया, थोड़ा बहुत जो काम है फिनिशिंग का वो कर लिया। आप देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।